एक लवर्स आपका स्वागत है मोबाइल फंडा के कस्टमाइज थीम के एक और नए एपिसोड में, जहां आज हम फिर से अपने डिवाइस को कस्टमाइज करने वाले हैं यूजिंग थ्री थीम्स, जिन्हें आप HyperOS 1 और 2 दोनों में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। वैसे दोस्तों, अगर आप Note 13 Pro 5G या Poco X6 5G यूज़ करते हैं और इनके लेटेस्ट अपडेट 2.0.4.0 के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऊपर कार्ड में इस अपडेट का रिव्यू वीडियो मिलेगा, तो उसे ज़रूर चेकआउट करें। अब आते हैं इस थीम की ओर, जहां इस थीम के लेआउट्स हमें कुछ इन लेआउट्स में देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं लॉक स्क्रीन की, जो कि हमें कुछ इस लेआउट में देखने को मिलेगी। वहीं इस लॉक स्क्रीन को अप्लाई करने के लिए आपको अपने स्टॉक लॉक स्क्रीन पे जाना होगा, फिर कस्टमाइज लॉक स्क्रीन, फिर स्टैंड एस्थेटिक लेआउट में आना होगा और फिर इस लेआउट को सेलेक्ट करना है, फिर कस्टमाइज पे टैप करके वॉलपेपर को अप्लाई कर लेना है। अब बारी है क्लॉक के कलर की, तो उसके लिए इस फंड पे टैप करके इस सेकंड फंड स्टाइल को अप्लाई कर देना है। वैसे इस क्लॉक के कलर को हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये परफेक्टली अपने लॉक स्क्रीन के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं होम स्क्रीन के तरफ, जो कि हमें कुछ इस लेआउट में देखने को मिलेगी, जहां टॉप लेफ्ट पे एक बड़ी सी क्लॉक की विजिट देखने को मिलती है, जहां पे हमें टाइम, डेट और वेदर की इन्फो देखने को मिलेंगी। वहीं बात करें इस थीम के आइकन्स की, तो वह हमें कुछ इस डिज़ाइन में देखने को मिलेंगे, हालांकि इनमें कोई भी एनिमेशन हमें देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि अगर होते तो यह और भी बेटर लगता। खैर, चलते हैं इस थीम के स्टेटस बार के तरफ, मतलब के कंट्रोल सेंटर और वॉल्यूम कंट्रोल लेआउट, तो वह हमें कुछ इस लेआउट में देखने को मिलेगा, जहां पे आइकन्स हमें रेड, ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे इस सेटअप के साथ मैच भी हो रहा है। वैसे इनमें आपको स्टॉक थीम वाली एनिमेशन भी देखने को मिल जाएंगी। वहीं इस थीम का वॉल्यूम कंट्रोल लेआउट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जहां पे आइकन्स हमें ग्रीन प्लस रेड कलर में देखने को मिलेंगे। बाकी इस थीम में सेटिंग मेनू हमें एज इट इज ही देखने को मिलेगी, जैसे कि हमें स्टॉक थीम में देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई इस थीम की बात, अब फंडा यह है कि ये कौन सी थीम्स हैं। तो सबसे पहली है होम स्क्रीन क्लॉक विजिट, और इसे अप्लाई करने के लिए आपको जो थीम यूज करनी है वो है प्रोपी, जिसे आपको एज अ होम स्क्रीन या फिर एज अ विजिट अप्लाई करना है। दूसरी है आइकन्स, और इसके लिए आपको जो थीम यूज करनी है वो है ड्यूअल इफेक्ट, जिसे आपको एज अ आइकन अप्लाई करना है। वैसे आपको इन थीम्स के डाउनलोड लिंक नीचे कमेंट्स में मिल जाएंगे, जिसे आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर ये थी आज की HyperOS 2.0 की कस्टमाइज थीम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थीम अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग थीम्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।